डिलीट हो गया। जी हाँ, मजीद। पढ़ाई है, जॉब है, ये बहुत जरूरी है। ज्यादा ज्यादा पेट नहीं भरेगा तो बंदा भूखा भी नहीं रहता है। जॉब से देखो कितने में कितने वो थे होने वाले, मिलियंस कितने हो गए तो अब। हक करके बहुत रोया भाई। इन फ्यूचर में क्या करूंगा भाई, मतलब तो क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। हो गया ना धोखा अपने जिंदगी के साथ, धोखे धोखे वाली बात हुई ना। आगे आगे टेंशन नहीं करना, थोड़ा चलो करो, जहाँ तो नया चैनल बना लो तो जहाँ आगे पढ़ाई की तरफ देखो, जॉब की तरफ देखो। पापा को लग डर है कि पता नहीं है कुछ करना दे। मैंने उनको बोला कि मम्मा, मैंने कहा मैं वैसा नहीं हूँ कि डिलीट हो गया तो मैं हार मान चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने डैडी को भी बहुत समझाया, अपने छोटे भाई को भी समझाया, सारे मुझे कॉल कर रहे थे यार कुछ करना नहीं, सब्सक्राइबर्स हैं बस करो यार, 100K तक करवा दो, चैनल भी बनाएंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि स्टडीज वगैरह जो है वो कंटिन्यू करें। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है हमारे न्यू चैनल पे जो कि मैंने आज ही क्रिएट किया है, 21 अगस्त 2023। ये मेरा जो ओल्ड वाला चैनल था 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ, वो चैनल जो था गाइस टर्मिनेट हो गया। मैंने पूरे 24 घंटे अच्छे से खाना नहीं खाया, पूरे दिन एंड रात को भी लगा रहा, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, चैनल जो था गाइस जा चुका है। से हम इसी वाले चैनल पे ब्लॉग बनाएंगे। ये वाला जो ब्लॉग है ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है हमारे चैनल पे। तो मुझे नहीं पता कि मेरे चैनल पे इस टाइम पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, बट तुम सबने इंस्टाग्राम पे बहुत सारा टैग बहुत सारा शेयर किया कि आमिर भाई अगर एक चैनल डिलीट हो गया तो क्या हो गया, आप दूसरा वाला चैनल बनाओ, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ा दर्द है मेरे दिल में वो इस चीज का कि मेरे 2018 से लेके 2023 तक के जितने भी वीडियोस थे वो सारे जा चुके हैं। 100 वीडियोस जो थे मैंने प्राइवेट करके रखे थे, वो मेरे बचपन के वीडियोस थे जो मैंने फर्स्ट फर्स्ट वीडियो डाला था, जो जो चीजें हमने परचेस की थी हमारी लाइफ में अचीव की थी, पूरी लाइफ जर्नी थी आयरा के साथ, फर्स्ट व्लॉग जो था वो भी उसी पे था, जा चुकी है भाई, हम उसे वापस तो नहीं ला सकते। होपफुली हम हमारे कल को जो है और आज को जो है वो ठीक करेंगे। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, हम है इस टाइम पे लद्दाख में, आज से हमारी चन्नी जो है लद्दाख की वो स्टार्ट होती है भाई। ना श्रीनगर के बाद जो थे व्लॉग्स वगैरह डाले ही नहीं, बिकॉज मैं पूरा डिप्रेशन में चले गया था, पूरा स्ट्रेस हो गया था भाई कि अब क्या करूं। एक दिन तो मेरा पूरा का पूरा निकल गया भाई मेरे चैनल को ही वापस लाने में, बहुत चीजें की बट भाई वो चैनल वापस नहीं आया। मेरे पापा को लग डर है कि पता नहीं है कुछ करना दे। मैंने उनको बोला कि मम्मा, मैंने कहा मैं वैसा नहीं हूँ कि डिलीट हो गया तो मैं हार मान चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने डैडी को भी बहुत समझाया, अपने छोटे भाई को भी समझाया, सारे मुझे कॉल कर रहे थे यार कुछ करना नहीं, चैनल ही है सब कुछ नहीं है, तू और बनाएगा तो फिर से ग्रो कर सकता है, बिकॉज 2.7 मिलियन भी मैंने खुद ही किए थे अकेले ना। इस वाले चैनल पे भी हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो भी जल्द से जल्द जो है कंप्लीट करेंगे। हमारा जो गोल होगा वो होगा 1 लाख सब्सक्राइबर करने का। तो आज मेरा पहला वीडियो है, आज तो मैं बाहर लेके जाता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ बिकॉज बाहर ही नहीं निकला हूँ, जैसे यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, प्लान डिसाइड कर रहा था अब लद्दाख में क्या करूंगा भाई, अभी बाहर जाते हैं लद्दाख दिखाते हैं। थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ बट मुझे पता है कि जो मेरे साथ के हैं, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं, मेरी रील जो थी वो 1 घंटे में 5,000 लोगों ने शेयर की, ये चीज जो है मेरे को ना कैमरा उठाने पर मजबूर कर देता है, और कुछ चीज नहीं है भाई। बाकी सब्सक्राइबर मुझे पता है 2.7 मिलियन तो नहीं कर सकता, जितने भी हैं इस टाइम पे भाई 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हैं भाई तुम सब प्यार करते हो एंड तुम सबके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अभी हम आ चुके हैं हमारे रूम से बाहर एंड मैं आपको हल्का सा व्यू दिखाता हूँ भाई, ये हल्का सा आप देख पा रहे होगे, अभी हम लद्दाख में इस टाइम पे। यहाँ पे मेरे पास अवंती की चाबी, अभी रूम में ना स्लीपर्स नहीं थे, तुम्हारा भाई ऐसे ही आ गया, नंगे पांव उठ जाऊंगा भाई फर्स्ट फ्लोर पे। ये कितनी बड़ी लिफ्ट है ना भाई, हर एक लिफ्ट में ये ऐसी आवाज की होती है, ये देखो मैं रहता हूँ मेरी सोसाइटी में भी ऐसी साउंड आती है भाई। लास्ट 24 घंटे से मैं डिप्रेशन में हूँ भाई, आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो लास्ट 24 आवर्स मेरी लाइफ के सबसे कठिन घंटे थे भाई। तो तुम होटल देख पा रहे हो, होटल बहुत बड़ा है भाई, मैं ना इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को ना स्लीपर्स मिल जाए। अभी मेरे को सब्सक्राइबर्स वगैरह भी मिल रहे ना, तो वो बेचारे ना मेरे से अच्छे से बात ही नहीं, उनको पता कि यार ये बेचारा टेंशन में है। थैंक यू सो मच भाई, बट तुम सब मिल सकते हो, जो भी बंदा दूर से है वो फोटोज वगैरह ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी होटल रूम में बहुत सारे बंदे थे, मतलब यहाँ पे जो स्टाफ वगैरह है उसमें से कुछ बंदे थे, वो बोल रहे थे कि आमिर भाई क्या हुआ आपके चैनल के साथ। मैंने सुनाई मेरी दुख भरी कहानी, लाइफ में स्टेप बाय स्टेप ही ऐसी चीजें जो है भाई वो चलते रहती हैं। ऐसी स्लीपर्स मिलती हैं, इस तरह की स्लीपर्स मिलती हैं भाई। मैं तो लास्ट 24 घंटे से ना मेरी टांगे अकड़ गई थी, फिर थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे होटल का फ्रंट वाला व्यू जो की बहुत प्यारा आ रहा है। यहाँ पे तुम होटल देख पा रहे हो भाई साहब, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। लास्ट टाइम जब मैं और आयरा आए थे तो हमने यहाँ स्टे किया था, यहाँ पे है हमारा रूम आई थिंक। जैसे तुम्हारा भाई टेंशन में, वैसे आयरा भी टेंशन में थी भाई, वो मेरे को बोल रहे थे कि हमेशा मेरे को मोटिवेट कर रही थी, अगर आयरा इस ट्रिप पे मेरे साथ नहीं ना होती और ऐसा चैनल उड़ गया होता ना, तो सच बता रहा हूँ हार्ट अटैक आ गया होता। उस लड़की ने बहुत, जैसे चैनल उड़ा ना तो उसने कहा कि हो ही नहीं सकता, तूने कुछ किया नहीं है तो चैनल वापस आएगा, तू टेंशन मत ले। आस्ता 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 चैनल जब उड़ा, उसके बाद जो टाइम बीता ठीक है ना, पूरे 12 घंटे मैंने कुछ खाया नहीं, चैनल पे लगा हुआ था। एट द एंड जाके बात हुई कि नहीं यार चैनल बनाते हैं, अगर इस टाइम पे तू आज छोड़ देगा ना तो लोग हंसेंगे तेरे पे, सब ने तेरे को देख के यूट्यूब चैनल वगैरह बनाए, अच्छे ग्रो भी हुए भाई, बट अगर तू ही यूट्यूब पर नहीं होगा बच्चों का क्या होगा, जिनके 1K सब्सक्राइबर्स हैं या 10K सब्सक्राइबर्स हैं। तो सोचने में थोड़ा
सा मजबूर हो गया कि भाई बात तो सही है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भाई इतने सारे मैसेजेस डीएम आए ना, यार मेरे भाई तुम चैनल स्टार्ट तो करो, हम आपके साथ हैं। कि अभी वहां पे उससे भी मिलाऊंगा। सो लाइफ में ना एक बंदा कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको ना लाइफ में सपोर्ट करता है भाई, मेरा उनमें से ही एक है। सॉफ्ट हार्ट पर्सन था, हर एक के ना बातों में आ जाता था, बट मेरे को ना कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगा कि हाँ इस दुनिया में ना मतलब ऐसे लोग भी रहते हैं, दोगले होते हैं। खुद मेहनत करो, आगे बढ़ो यार। थोड़ा सा चल रहा हूँ तो अच्छा फील हो रहा है भाई साहब, चला चला के भाई मेरे हाथ पूरे ना सुन से हो गए थे। स्टेयर भी मैं यहीं पर रुका था, मैं लास्ट ईयर आया था ना, बट लास्ट ईयर से काफी बढ़िया हो गया, बिकॉज यहाँ पे ना ये छोटा सा कैफे टाइप का बन गया है, देख पा रहे हो यहाँ पे। हर चलते हैं, आपको अवंती दिखाते हैं। ये है हमारे बाहर का व्यू, चेक करो भाई, चारों तरफ आपको ना पर्वत मिल जाएंगे, बड़े बड़े पहाड़, बाप रे बाप, वो चेक करो। नहीं, तेज धूप है ना इस टाइम पे लद्दाख में ना भाई, पहले से बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, मतलब हर ईयर ना गर्मी जो है वो बढ़ते जा रही है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो पोल्यूशन वगैरह या फिर अगस्त चल रहा है इसी कारण। लास्ट ईयर आई थिंक मैं जून में आया था या जुलाई में आया था, ठीक है ना। तुमने जो मेरी जर्नी देखी वो देखी तुमने सिर्फ श्रीनगर तक, वो भी ओल्ड वाले चैनल पे, एंड श्रीनगर से मैं लद्दाख कैसे पहुंचा इसका मैंने सिर्फ या दो व्लॉग बनाया, शायद वो भी ना डालूं बिकॉज वो मेरे ना ओल्ड चैनल के लिए थे। पहला वीडियो जो आप सबके लिए, एंड हियर इज अवर डीसी अवंती, गाड़ी जो पूरी गंदी हो रखी है। एंड एक और बढ़िया सी चीज़ तो मैं बताता हूँ कि एक भी स्क्रैच नहीं लगा पूरी लद्दाख तक पहुँचने में, मतलब ये गाड़ी यहाँ तक पहुँचना एक छोटा सा स्क्रैच नहीं है, सिर्फ मैली हो गई है। बहुत सारों ने लिखा है आई लव यू, वहाँ पर भी लिखा है प्यार तो करते हैं। हाँ, मेन सबसे बड़ी बात क्या है कि टायर वगैरह कोई नहीं बैठा है, टायर सारे ऑल गुड है ना। टायर से चेक कर रहा था कि टायर से हवा वगैरह कम नहीं होना चाहिए। जैसे ही चैनल वगैरह टर्मिनेट हुआ था सबसे पहले तो मैंने यही सोचा कि सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ, बहुत हो गया भाई। ये लग रहा था कि गाड़ी को ना चढ़ा देते हैं फ्लैट बेल्ट वगैरह पे, बाई एयर निकल जाता हूँ। अभी मॉर्निंग से अभी तक जो जो इंस्टाग्राम वगैरह पे तुम सबने सपोर्ट दिखाया है, ये जो 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी आगे हैं, तुम सब के लिए भाई राइड जो मैं कंप्लीट करूंगा, इस गाड़ी को टॉप पे लेके जाऊंगा, मतलब हमारे यहाँ का जो सबसे टॉप है आई थिंक त्रुक त्रुक करके कोई वैली है या क्या है, हाईएस्ट मोटरेबल पीक शायद, वहाँ लेके जाऊंगा। ये गाड़ी पहुंचे ना पहुंचे मैं अपनी पूरी 100% कोशिश करूंगा, जब तक इसका टायर फट ना जाए, जब तक ये गाड़ी जवाब ना दे जाए तब तक। एंड मैं पहला पर्सन हूँ आई थिंक पूरे इंडिया का अपने डीसी बनती चुया वो लद्दाख लेके आया, एंड मेरा पैंगोंग जाने का भी प्लान है, नुब्रा जाने का भी प्लान है, तुम सबका साथ चाहिए भाई। गाड़ी है, ग्राउंड क्लियर कम है, बट लेके जाएंगे आप सबके लिए। तुम से कोई डिसीजन लेता ना वो नहीं लेना चाहिए, लाइफ बहुत प्रीशियस है, ठीक है ना, आराम से जाओ। Oh, here is the key. क्या बात है, गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। अभी तेल देख लेते हैं हमारे पास पेट्रोल कितना है, हमारे पास पेट्रोल आई थिंक 20 से ज्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से भाई, ठीक है ना। बाकी गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, तुम देख पा रहे हो, आयरन ना बहुत गंदी हालत कर रखी है, पीछे कुछ कपड़े पड़े हैं या कुछ जूस की बॉटल्स पड़ी है या मेरी हेलमेट पड़ी है। तो मैं आयरन से मिलाता हूँ क्योंकि वो बेचारी ज्यादा टेंशन में थी भाई मेरे को लेके, उसको लगा कि पता नहीं ये कुछ करना दे, वो तो मेरे को 2 मिनट नहीं छोड़ रही थी। अभी कह रही थी मैं भी आ रही हूँ, मैंने कहा तू रेस्ट कर ले, तू भी मेरे साथ पूरी रात जाग रही थी, तो यहाँ पे मेरी सांस भी फूल रही है बिकॉज आई एम इन लद्दाख। यहाँ पे पेड़ कम है भाई, थोड़े से पेड़ है वहाँ पे बस, वैसा ही कंटिन्यू रखेंगे। मैं ऐसा ही प्रिटेंड करूंगा कि मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ मेरे 2.7 मिलियन वाले चैनल पर डाल रहा हूँ, है ना, और क्या ही कर सकता हूँ। तो ये म्यूजिक कितना इरिटेटिंग सा होता ना भाई, मे भी मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल रहा था आप सबके लिए, डाल रहा था जो हमारा चैनल डिलीट हुआ ना, तो उस पर ना भाई 5-5 लाख व्यूज जो थे वो डेली के आने लग गए थे, 5-5 लाख व्यूज अब जा ही रहे थे। तो अभी आयरा आ चुके यहाँ पे, चेक करो। अभी हम आपको मिलाते हैं एक बंदे से जिसने मेरा बहुत ख्याल रखा भाई, एंड ये रही वो लड़की। तो लाइफ में कोई एक होना चाहिए तुम्हारे पास जो इसके जैसा हो, अगर ये नहीं होती तो मैं पता नहीं फांसी का फंदा लगा के ना सुसाइड कर देता, तो डिप्रेशन में चले गया था, स्ट्रेस में चले गया था, घर वाले परेशान कर रहे थे, घर वालों को आयरन ने संभाला, मम्मी पापा बोल रहे थे कि अब क्या करेगा, तूने स्टडीज वगैरह छोड़ दी, तब किसी की नहीं सुनी, तूने अपनी सुनी उस टाइम पे, जिस टाइम पे क्या करना है वो मेरे को कह रहे थे, मुंह आ जा हम तेरी एडमिशन करवाते हैं, टिप्स वगैरह पंप वगैरह देते रहते हैं, और वो तो खुशी होंगे भाई, ज्यादातर बंदे जो है वो खुशी होते होंगे कि यार देखो वो डिलीट हो गया है ना, आयरन ने उनको हैंडल किया अच्छे से। इस लड़की को मैं क्या कैसे थैंक यू कहूँ भाई साहब, ठीक है ना, मेहनत करो, व्लॉग्स डालो डेली, वही है गिफ्ट है। तो मैं तो रोया ही रोया हूँ, आयरा भी बहुत रोई है भाई, मैं स्माइल दिख रही है, बट भाई मैं सच बता रहा हूँ मैंने इसको हक करके बहुत रोया भाई, एंड इसने भी कि कुछ नहीं होता, मैं इसको ये की चीज़ बोल रहा था कि भाई अब मैं इन फ्यूचर में क्या करूंगा भाई, मतलब क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। तभी मम्मा कॉल कर रही थी, तभी मम्मा को फोन करते हैं, कहती थी पढ़ो कुछ नहीं रखा, सुबह से इसको कपड़े पड़ रहे हैं मैसेज में, सही में। हाँ जी, चैनल डिलीट हो गया जी। हाँ। मुझे चैनल वो टर्मिनेट ही हो गया चैनल, वो कैसे डिलीट हुआ मेरी बात सुनो ना जी, कितना बोलते थे ये चीजें होती है टाइम ब्रेक, क्या पता कब बंद हो जाए कब क्या हो, पढ़ाई है जॉब है ये बहुत जरूरी है, ज्यादा ज्यादा पेट नहीं भरेगा तो बंदा भूखा भी नहीं रहता जॉब से। मम्मी जी अब तो कॉलेज भी ज्वाइन करूंगा मैं और आयरा, साथ में कॉलेज ज्वाइन करेंगे, देखो ना ऐसा टाइम बीतता जाता है, आगे एज भी होती जाती है, फिर टाइम की कोई काम हो तो क्या फायदा, अब देखो कितने वो थे होने वाले
मिलियन थे, 27 लाख सब्सक्राइबर थे, अभी तो मेरे हिसाब से अभी तो अभी तो 70 भी नहीं है। धोखा अपने जिंदगी के साथ, धोखे धोखे वाली बात हुई ना। जी जी मम्मी जी, आगे टेंशन नहीं करना, थोड़ा चलो करो, जहाँ तो नया चैनल बना लो तो जहाँ आगे पढ़ाई की तरफ देखो, जॉब की तरफ देखो। जी मम्मी जी, नया चैनल भी बनाएंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि अब हम कोई ऐसे ना साथ में अपनी स्टडीज वगैरह जो है वो कंटिन्यू करें। जी एक एक पल भी बहुत कीमती होता है, अब देखो ना कहाँ जाके आप लोगों को पीछे बैक पे आना पड़ा, फायदा क्या होगा। सपोर्टर तेरे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन चलो फिर भी बच्चे देखना अपने लाइफ के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, तो आगे थोड़ा ध्यान ही रखो। मम्मी ये कह रही है स्टडी कर ले या तो यूट्यूब कर ले, दोनों तो साथ में भी कर। मैंने मम्मी को कहा ना इस बार मैं सीधा ना यूट्यूब करने वाला हूँ और ना ही कि मैं यूट्यूब छोड़ के स्टडी करूंगा, इस बार मैं दोनों चीजें करूंगा, मैं स्टडीज भी साथ में करूंगा, मैं MSc करूंगा और साथ ही साथ में आयरा BSc करेगी भाई, और हम साथ में दोनों यूट्यूब चैनल जो है वो साथ में ग्रो करेंगे। सो ये लद्दाख की सीरीज खत्म होते ही हम सीधा जाएंगे और अपना कॉलेज जो है वो ज्वाइन करेंगे भाई, ठीक है ना। बिकॉज ठीक है, मैं ये नहीं है कि मेरे को अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कि मैं कर नहीं सकता, मुझे मेन है कि माँ बाप का नाफरमान इंसान जो है ना मुझे नहीं लगता वो आगे अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है। आज का वीडियो यही एंड करते हैं, होप गाइस कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं बस करो यार 100K तक करवा दो गरीब के भाई, ठीक है ना। सो 100K करवा दो और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस, बाय।